बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के करम फजल और शुक्र के साथ करते हैं जी आज का व्लॉग शुरू। आज थर्सडे है और एक बज चुका है और अभी करते हैं जी लंच। कल का जो काम था वो जड़ी बूटियाँ पीसने वाला, और वो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनल हो चुका है और वो मेडिसिन मैंने तैयार करके रख दी है, आपको थोड़ी देर तक मैं दिखाऊँगा इंशाल्लाह। ये देखेंगे, ये गाजरें अम्मी ने रखी हुई हैं और ये गाजर का हलवा बनाएंगे अम्मी जान आज इंशाल्लाह। नमाज मैंने पढ़ ली है जी अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी ऊपर चलते हैं आपको दिखाते हैं, और जो आज सुबह मैंने पीसी है जड़ी बूटी और दवाई तैयार करके रखती है मैं आपको दिखाता हूँ। इन दो बैग्स में मैंने दवाई भर ली है जी, एक में विदाउट मिश्री है और एक में मिश्री ऐड की हुई है, क्योंकि जो शुगर शुगर वाले पेशेंट हैं उनके लिए मिश्री ठीक नहीं है, उनको वैसी ही दवाई दूँगा इंशाल्लाह। मैं आपको दिखाता हूँ खोल के, ये देखें जी, ये विदाउट मिश्री है और ये विद मिश्री, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है ये। इस रूम को भी अम्मी जान ने खोला हुआ है क्योंकि अभी वेदर चेंज हो चुका है ताकि धूप अंदर आए, और ये सारी देखें क्लीनिंग अम्मी जान ने की हुई है। ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी है आपके जॉइंट्स पेन के लिए, स्पर्म को गाढ़ा करती है, और जो ख़ास करके जो रीढ़ की हड्डी है उसमें जो दर्द होता है उसको दूर करती है, आपकी आई साइट को ठीक करती है, दिमाग के लिए बहुत मुफीद है, इवन आपकी पूरी बॉडी के लिए ये ज़बरदस्त काम करती है। अभी मैं छत पे आ चुका हूँ और ये देखिए अम्मी जान ने ये जो पेंट के डिब्बे थे इसमें ये देखें लहसुन और धनिया लगाए, मैंने पहले भी दिखाया, आपके घर में भी अगर ऐसे एम्प्टी बॉक्सेस पड़े हुए हैं डिब्बे आप उनमें ये चीज़ें लगा सकते हैं। माशाल्लाह ये देखें लहसुन भी बड़ा हो रहा है और ये धनिया भी। अभी जी टाइम हो चुका है 5 और असर की नमाज़ पढ़ ली है अल्हम्दुलिल्लाह, और अपने बिस्तर पे बैठा हुआ था, और अभी अम्मी जान कहती हैं जी गाजर का हलवा है वो कुछ रेडी कर रही हैं, तो दिखाते हैं आपको जी कैसे कर रही हैं। ये देखें जी इधर ये गाजर का हलवा बन रहा है, और ये देखें जी किशमिश है, ये इलायची के बीज हैं, ये आलमंड हैं, बादाम और ये शुगर और ये देसी घी, ज़बरदस्त किस्म का तैयार होगा फिर खाएंगे इंशाल्लाह और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त लुक आई है इसकी, और इसमें अभी ये खोआ तैयार हो रहा है, और ये देखें जब इसमें खोआ डलेगा तो और ज़बरदस्त किस्म का बन जाएगा। तो अभी नमाज़ पढ़ लेते हैं, अजानें हो रही हैं मगरब की, उसके बाद फिर इंशाल्लाह खाएंगे। अभी ये अजान शुरू हो चुकी है मगरब की, और वज़ू बना लेते हैं फिर नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी नमाज़ पढ़ ली है मगरब की, अभी हलवा डालते हैं खाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, देखते हैं अम्मी जान ने कैसा बनाया है। ये देखें ज़बरदस्त किस्म का बना हुआ है, अभी डालते हैं प्लेट में। माशाल्लाह देखिए मैं डाल के ले आया हूँ, बेहतरीन बना हुआ है जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त बना हुआ है जी अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतरीन बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी खाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। सुबह हो चुकी है जी अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी मैं नाश्ता करने लगा हूँ, नाश्ता करते हैं उसके बाद फिर आज जुम्मे है, सब कुछ मुबारक, तो फिर मैं सिटी जाऊंगा इंशाल्लाह। गाजर का हलवा अल्हम्दुलिल्लाह, एग है, चाय है और चपाती खाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जी। नदीम शाह साहब, अच्छा बात सुनिए आप, मेरे वो जो है कज़न जो है मेरा। कौन सा कज़न है आपका? ताहिर अमीन, जानते हैं आप उन्हें? ताहिर अमीन जी, आपके साथ मैंने फेसबुक पे ऐड देखे, मेरे साथ ऐड वो मेरे पप्पे। अच्छा वो पीटीआई की जो पोस्ट है। अभी मैं सिटी जा रहा था तो मैंने कहा कारी साहब से मिल के जाऊँ, और ये देखिए मस्जिद की सफाई कर रहे हैं, नेक्स्ट फ्राइडे से मैं भी ज्वाइन करूँगा इंशाल्लाह इनको, इंशाल्लाह अल्लाह का घर है तो बहुत बड़ा अजर है। अभी कारी साहब आ रहे हैं, अकील भाई की शॉप पे आ चुका था जो इनकी कर्टन शॉप है ये देखें, और गपशप की है, और उसके बाद फिर सिटी मंडी जाने का प्रोग्राम था मेरा, अकील भाई के साथ गपशप की है, उसके बाद फिर मैं मंडी चला गया था।
पैसे में चाहते पैसे काट के ना। अल्हम्दुलिल्लाह जी सिटी से वापस आ चुका हूँ और ये माल्टे लेके आया हूँ और अभी जुम्मे का टाइम भी है नमाज का, तो चलते हैं नमाज पढ़ने के लिए जी इंशाल्लाह। ये देखें ज़बरदस्त किस्म के शक्री माल्टे थे, तो मैंने कहा ले आऊँ, नमाज़ पढ़ के आते हैं फिर खाना खाते हैं, उसके बाद फिर ये इंशाल्लाह खाएँगे। अभी अम्मी जान नीचे बना रही हैं जी पकौड़े और उसके बाद फिर बनाएंगी चपाती, फिर खाना खाएँगे इंशाल्लाह। अभी मैं छत पे आया, मैंने कहा ज़रा धूप पे बैठूँ, पर धूप पे बैठने नहीं हो रहा, बहुत सख्त तपश है। अभी थोड़ा वेट करते हैं, उसके बाद नीचे जाके फिर लंच करते हैं इंशाल्लाह। देखिए धूप सख्त है। देखें जी अभी ट्राई के लिए मैं थोड़ा चखता हूँ कैसे बन रहे हैं, अम्मी जान कहती हैं ट्राई करें, नमक मेरे ठीक है। मेरा चपाती बन रही है और ये पकौड़े बन रहे हैं, सही बने हैं जी माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अभी साथ साथ और भी पकौड़े बन रहे हैं, चपाती बन चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, खाते हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। खाना खा लिया जी अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त किस्म के पकोड़े बने हुए थे और अब खाते हैं जी माल्टे और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इसको भूख लगी हुई है, अभी दूध इसको दिया और ये फिश की जो देखिए टेल है इसको दी है, तो इसका पेट भर जाए, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है आज ब्लैकी को। अभी जी मेरे बड़े मामू आए हुए थे और साथ में बड़ी मामानी मुबारकबाद देने अम्मी और अबू जान को, तो काफ़ी देर बैठे रहे हैं, चाय वगैरह पिए और बातें की हैं सऊदी अरेबिया की, अल्हम्दुलिल्लाह खाना कब रखे तो सुकून मिला है और चले गए हैं वो। कुछ दिन पहले दूसरे मामू आए हुए थे और इसी तरह गाए बगाए आ रहे हैं गेस्ट, जिन जिन को पता चल रहा है, तो उनका तहे दिल से शुक्रिया जी, अल्लाह सबको अपने घर बुलाए, आमीन। अभी अम्मी जान बना रही हैं जी डिनर के लिए कुछ, तो देखते हैं आज डिनर में अम्मी जान क्या बनाती हैं। तो दिन को तो पकोड़े खा लिए थे हमने अल्हम्दुलिल्लाह। अभी अम्मी जान मिक्स वेजिटेबल राइस वो बनाने लगी हैं, सॉरी मिक्स वेजिटेबल राइस कहने लगा हूँ, मिक्स वेजिटेबल बनाने लगी हैं, तो मैंने कहा जी बनाएँ और उसके बाद फिर खाएँगे इंशाल्लाह रात को। अभी तकरीबन 5:45 हो रहे हैं, अभी फिर मगरिब की नमाज़ भी पढ़नी है, तब तक लेते हैं जी थोड़ा रेस्ट करते हैं और सेलफोन को लगाते हैं चार्जिंग पे। ये देखें जी मिक्स वेजिटेबल बनी हुई है, साथ में चपाती है और डिनर का टाइम है, डिनर करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं।